व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइस, आज के इस वीडियो में काफ़ी टाइम के बाद में हम बात करने वाले हैं ASUS डिवाइस के ऊपर। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि ASUS जो है ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस लॉन्च करने वाला है अपनी 8 सीरीज़ में, जो कि है ASUS 8Z। अब ये डिवाइस दोस्तों ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। इसमें जो आपको स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके लॉन्च के बारे में दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका लॉन्च जो है ना वो काफ़ी टाइम पहले हो जाना था, मतलब मई के मंथ में इसका लॉन्च जो है ना वो हो जाना था ऑलरेडी, लेकिन जो कोविड की सेकेंड वेव आई तो उसकी वजह से कंपनी ने इसके लॉन्च को डिले किया है। अब फाइनली दोस्तों ये लॉन्च होने के लिए रेडी है। सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा एंड मैं आपसे प्राइस लॉन्च के बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अगर मैं फीचर्स के बारे में शुरुआत करूंगा तो वो है डिस्प्ले से। इसमें आपको 5.9 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और साथ ही में इसमें आपको HDR 10 प्लस भी मिलेगा। अब यहाँ पर गाइज अगर आप डिस्प्ले के फीचर्स को देखोगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। जिस तरीके से कंपनी ने इसमें फीचर्स सेट किए वो एकदम ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे जो एक ड्रॉबैक वाली बात लगी वो है इसका डिस्प्ले साइज। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको इतना बड़ा डिस्प्ले साइज नहीं मिलता है, इसमें आपको 5.9 इंच का मिलता है, समथिंग अराउंड 6 इंच रहता है। मेरे हिसाब से गाइस डिस्प्ले साइज बहुत छोटा हो जाएगा। मेरे हिसाब से गाइस इसमें अगर 6 एंड अबव का डिस्प्ले साइज मिलता तो वो और अच्छी बात हो जाती थी। मैं नहीं बोलता हूं कि अभी एकदम बेकार है, लेकिन बोलता हूं और अच्छी बात हो जाती थी। अब बात करूंगा दोस्तों फाइनली यहाँ पर कैमरा फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको रेयर में डुअल सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, आपको 12 मेगापिक्सल का एक जो है ना अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, और साथ ही में फ्रंट में आपको एक 16 या तो फिर 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर वो देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर गाइस मेरे हिसाब से ये फ़ोन जो है ना वो कैमरे से रिलेटेड कुछ इतना खास नहीं है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती गाइस कि कंपनी ने इतना एक्सपेंसिव फ़ोन लॉन्च करने वाली है और उसके बाद में इस तरीके का कैमरा, मतलब क्यों? अच्छा खासा या तो क्वाड सेटअप इसमें मिल सकता था या मैक्स टू मैक्स ट्रिपल सेटअप मिलता था विद गुड लेंसेज एंड सेंसर्स, लेकिन पता नहीं क्यों कंपनी ऐसा कर रही है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा हार्डवेयर फीचर्स को लेके, और जी हाँ ये जो सेक्शन है बहुत ज़बरदस्त है इस डिवाइस में। इसमें आपको दोस्तों टॉप एंड हार्डवेयर मिलता है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर है, मतलब कुछ ऐसी बोलने वाली बात ही है नहीं, आपको तो मालूम ही है क्या परफॉर्मेंस है, 5G प्रोसेसर है। और जो इसमें आपको चिपसेट मिल रही है वो 5nm चिपसेट है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम आउटस्टैंडिंग चीज़ है। तो मतलब गाइस हार्डवेयर के हिसाब से आप इस फ़ोन को एकदम रॉकेट समझ सकते हो, रॉकेट। साथ ही में गाइस अगर बात करूंगा वेरिएंट के हिसाब से तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, 6GB रैम बेसिक, 8GB रैम एंड द मोस्ट 12GB रैम वाला वेरिएंट। फाइनली दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो उसके हिसाब से इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाती है और 30W की फास्ट चार्जिंग इसमें आपको मिलती है। अगेन गाइस यहाँ पर जिस तरीके का प्राइस सेट किया है कंपनी ने, मतलब ऑब्वियसली प्राइस निकल के नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है कि जिस तरीके का प्राइस कंपनी सेट करेगी तो उसके हिसाब से गाइस ये जो बैटरी इसमें आपको कैपेसिटी मिलती है वो इतनी बेटर नहीं लगी मुझे। 4000mAh बैटरी इज़ नॉट वर्थ इट। और उसके बाद में जो आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, सही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और साथ ही में इसमें आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। अब फाइनली दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में, तो देखिए लॉन्च के हिसाब से जैसे मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि इसमें लॉन्च जो है ना ऑलरेडी हो जाने वाला था मई के मंथ में, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने डिले किया कोविड की वजह से। तो फाइनली गाइज अब ये न्यूज़ है कि जुलाई की एंड में, मतलब ये मंथ की एंड में इसका लॉन्च आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब वो डेट जो है ना दोस्तों एक प्रॉपर डेट कंपनी ने रिवील नहीं करी है, लेकिन हाँ यहाँ पर कंपनी की तरफ से ये चीज़ तो पता लगी है कि जुलाई के एंड में इसका लॉन्च हो जाएगा। बात करूंगा प्राइस के बारे में, तो देखिए वीडियो में मैं आपसे बोल रहा था प्राइस एक्चुअली कंपनी ने इसका प्राइस नहीं निकाला है, लेकिन ज़्यादातर लीक्स के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है ना आपको 40,000 के ऊपर ही मिलेगा। जी हाँ, मतलब 40,000 के ऊपर ही इसका प्राइस रह सकता है। और अगर कंपनी ने ऐसा किया, क्योंकि गाइस ये एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है अकॉर्डिंग टू ASUS कंपनी, और अगर कंपनी ने ऐसा किया तो मेरे हिसाब से ये ओवर प्राइस रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस है, कुछ मेजर स्पेसिफिकेशंस है जो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते थे, और उस टाइप की स्पेसिफिकेशंस एक्चुअली मिड रेंज डिवाइसेस में आते हैं। तो यहाँ पर गाइज मेरा तो बस यही है, अगर 40 एंड अबव ये फ़ोन लॉन्च होता है तो मेरे हिसाब से ये ओवर प्राइस रहेगा। वैसे आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर से बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स हमारे चैनल पे से मिस नहीं करोगे। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ फिर आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।